हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर एसएस मैम। आप लोगों को मेरे पीछे एक नोटिस का फॉर्मेट दिख रहा होगा, जिसको मुझे लगता है कि पिछले 3 दिन में आपने कम से कम नहीं तो 4 या 5 बार अलग अलग सोर्सेस पे देख ही लिया होगा। एक्चुअली में 6 अक्टूबर को नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा एक नोटिस रिलीज हुआ, जिसमें उसने फाइनली नीट 2024 का सिलेबस रिवील कर दिया। लेकिन सिंस पिछले 2 दिन से उसकी साइट ओपन नहीं हो रही थी, तो ये मैसेज, ये नोटिस सिर्फ सर्कुलेट ही हो रहा था। मैं खुद इसको ओरिजिनल साइट पे जाके चेक नहीं कर पा रही थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों तक इंफॉर्मेशन सिर्फ तभी दूंगी, तभी पहुंचाऊंगी जब मुझे इसका ऑथेंटिकेशन मिल जाएगा। और फाइनली संडे इवनिंग मुझे इसका ऑथेंटिकेशन मिल गया, यानी कि मुझे कंफर्म हो गया कि यस, दिस सिलेबस जो कि मैं अभी आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूं, ये ही नीट 2024 का नेक्स्ट सिलेबस होने वाला है। चलिए तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चेंजेस आए हैं, जैसा कि हमें लग भी रहा था कि सिंस एनसीईआरटी में बहुत बड़े अपडेट हुए हैं, तो हो ना हो नीट के अंदर भी अपडेशन तो होने ही हैं, और ऐसा हुआ भी। लेकिन कुछ एक आधी टॉपिक्स ऐसे भी हैं जिसको देख के मुझे ऐसा लगा कि ये भी आने वाला है, फिर तो बच्चों के साथ में कुछ प्रॉब्लम होगी। कैसी प्रॉब्लम्स होंगी, कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स नहीं आने वाले हैं, ये सिलेबस, ये अपडेशन किस तरीके से नीट के मार्क्स को, नीट की कट ऑफ को या नीट के एग्जाम को अफेक्ट कर सकता है, इन्हीं सब बातों को हम आज के इस लेक्चर में, इस आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पब्लिक नोटिस के अकॉर्डिंग नीट 2024 का इन लोगों ने हमें सिलेबस बता दिया है। चलिए मैं आपको पहले सिलेबस डिस्कस करती हूं, फिर हम इन सिलेबस के आउटकम्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्लास 11th की फर्स्ट यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जिसके 4 चैप्टर्स हैं। पहला व्हाट इज लिविंग, दूसरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा प्लांट किंगडम, चौथा एनिमल किंगडम। ये सब एज इट इज आने वाले हैं, फर्क सिर्फ लिविंग वर्ल्ड में है। लिविंग वर्ल्ड में वो स्टार्टिंग वाला पोर्शन था ना, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, वो पोर्शन नहीं आएगा, और एंड में टैक्सोनॉमिक एड्स नहीं आने वाले हैं। उसके अलावा ये पूरी की पूरी यूनिट एज इट इज आपके एग्जाम में आएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मैं बात करूं एंजियोस्पर्म्स की, तो एंजियोस्पर्म्स को भी यहां पर प्लांट किंगडम में इन्होंने बहुत स्पेसिफाई नहीं किया है, लेकिन सिंस आगे क्लास 12th में तो पूरा चैप्टर ही है, तो एंजियोस्पर्म यहां पढ़ो वहां पढ़ो आना ही है, पढ़ना ही है। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे क्रांतिकारी यूनिट है क्लास 11th की यूनिट 2, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स। यहां पर 3 चैप्टर्स हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब जरा सुनिए ध्यान से, सबसे पहले मैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करती हूं, उसमें सिर्फ फ्रॉग आने वाला है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रॉग आएगा, ना ही पहले जो आपने टिश्यूज पढ़े हैं, एपिथेलियल टिश्यूज एंड एवरीथिंग, ना ही क्लास 12th और ड्रॉपर ने जिन्होंने अभी तक कॉकरोच पढ़ा था वो आने वाला है। तो उन लोगों को इस पर्टिकुलर यूनिट में काफी ज्यादा स्ट्रगल करना है। नेक्स्ट आ गया मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, अगेन मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशंस, तो सारे मॉडिफिकेशंस आने वाले हैं। क्लियर हो गई ये सारी बात, जो रूट के, स्टेम के, लीफ के मॉडिफिकेशंस हैं, वो सबके सब मॉडिफिकेशंस यहां पर आएंगे। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूं ताकि आप लोगों को और क्लियर दिख जाए। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की अगर मैं बात करूं, तो उसके अंदर जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन था टिश्यूज, वो नहीं आएंगे। लास्ट वाला जो पोर्शन था सेकेंडरी ग्रोथ, वो भी नहीं आएगी। यहां पर सिर्फ और सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर्स आएंगे। लेकिन बहुत क्रांतिकारी चीज है यहां पर फैमिलीज। अभी तक हम लोग पढ़ा करते थे 3 फैमिलीज, पेबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी। यहां पर इन्होंने फैमिलीज की जो लिस्ट ली है, मालवेसी, क्रूसीफरेई, लेग्यूमिनेसी, कॉम्पोजिटेई और ग्रामिनेई। अगेन ये फैमिलीज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं पढ़ी है क्लास 12th, और ड्रॉपर्स को अब इन फैमिलीज को कवर करना है। क्लास 11th वालों के पास में टाइम है, तुम लोग आराम से देखो। क्लास 12th और क्लास ड्रॉपर वाले इस बार ज्यादा परेशान होने वाले हैं। अगर हम नेक्स्ट यूनिट की बात करें, तो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, वो एज इट इज पूरा आने वाला है। अगेन उस यूनिट के अंदर कोई इतने खास वेरिएशन नहीं है, पूरी सेल आएगी, सेल थ्योरी, प्लांट सेल, एनिमल सेल, कंप्लीट सारे सेल ऑर्गेनल्स।
नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल्स वाला कंप्लीट चैप्टर आएगा, वही जितना एनसीईआरटी में है, और सेल डिवीजन भी कंप्लीट आने वाला है इस यूनिट में, एज इट इज जैसी पहले थी वैसी ही अभी है। नेक्स्ट यूनिट आई प्लांट फिजियोलॉजी, उसके अंदर भी काफी बड़े चेंजेस। पहला चैप्टर फोटोसिंथेसिस पूरा का पूरा आएगा, दूसरा चैप्टर रेस्पिरेशन बिल्कुल आएगा पूरा, एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आने वाला है यहां पर। एक सेकेंड, यहां पर दो चैप्टर्स हट चुके हैं, अगेन वही जो नई एनसीईआरटी में नहीं थे, एक तो ट्रांसपोर्ट और एक मिनरल न्यूट्रिशन, उसके अलावा रेस्पिरेशन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंप्लीटली ये आने वाला है। लेकिन यहां पर इस पर्टिकुलर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, इस लिस्ट में मुझे फोटोपीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि एनसीईआरटी का पार्ट है तो आना चाहिए। नेक्स्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो 7 चैप्टर्स थे, एक डाइजेशन हट चुका है, बचे हुए पूरे के पूरे 6 चैप्टर्स आएंगे। ब्रीदिंग, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ब्रीदिंग, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, बचे हुए सारे के सारे चैप्टर्स आएंगे, एक डाइजेशन ऑलरेडी हट चुका है। ये तो हुई क्लास 11th की बात। अब हम बात करते हैं क्लास 12th में। क्लास 12th की पहली यूनिट में अगेन लिविंग वर्ल्ड हटा है, तो रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिजम्स हटा है, तो वो भी यहां से हट गया है। उसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इस यूनिट में ये 3 चैप्टर्स बचे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन क्लास 12th की यूनिट नंबर 2 की, तो उसके अंदर वही पूरे तीनों के तीनों चैप्टर्स एज इट इज हैं, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड एवोल्यूशन, ये हमें कंप्लीटली पढ़ना है, कोई वेरिएशन नहीं है। नेक्स्ट वेरिएशन हमें 3rd यूनिट में देखने को मिलेगा, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस है, उसके अलावा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है, लेकिन जैसा कि एनसीईआरटी में स्ट्रैटेजीज नहीं है तो ये चैप्टर भी हट चुका है। यूनिट 4 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, एज इट इज वही यूनिट है। यूनिट 5 इकोलॉजी में ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन आएगा, एनवायरमेंटल इश्यूज हट चुके हैं तो वो नहीं आएंगे। ठीक है, वापस से मैं आपको इस पूरे लेक्चर की समरी दे देती हूँ, इस पूरे सिलेबस की समरी दे देती हूँ। यूनिट 1 क्लास 11th लिविंग वर्ल्ड हट गया है। यूनिट 2 आ रहे हैं तीनों चैप्टर्स, पर तीनों चैप्टर्स में बहुत सारे चेंजेस, मॉर्फोलॉजी में फैमिलीज बदल चुकी हैं। नेक्स्ट एनाटॉमी के अंदर टिश्यूज और सेकेंडरी ग्रोथ नहीं आने वाला है, और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के अंदर फ्रॉग आने वाला है, बाकी सब हट चुका है। यूनिट 3 की अगर हम बात करें तो सेल, सेल डिविजन और बायोमोलिक्यूल्स आएगा। यूनिट 4 प्लांट फिजियोलॉजी में 3 चैप्टर्स आएंगे, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बचे हुए 2 चैप्टर्स ट्रांसपोर्ट एंड मिनरल न्यूट्रिशन नहीं आने वाला। यूनिट 5 फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी में 6 चैप्टर्स आएंगे, डाइजेशन हट गया है। क्लास 12 यूनिट 1 रिप्रोडक्शन, उसमें रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिजम्स हटा है। यूनिट 2 एज इट इज है, पूरे मॉलिक्यूलर बेसिस, जेनेटिक्स एंड आपका एवोल्यूशन आएगा। यूनिट 3 की अगर हम बात करें तो उसके अंदर 1 चैप्टर हटा है, विच इज स्ट्रैटेजीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस और माइक्रोब्स आएगा। यूनिट 4 की अगर हम बात करें, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन एज इट इज है। यूनिट 5 इकोलॉजी, 4 की जगह 3 चैप्टर्स बचे हैं। क्लियर हो गई ये बात। अब इससे क्या क्या फर्क पड़ सकता है आपके नीट के एग्जाम पर, उसको हम देखते हैं। सबसे पहली बात तो अगर यहां पर मैं बात करूं हमारे मॉर्फोलॉजी की, तो मॉर्फोलॉजी में इन्होंने सीधे सीधे कुछ ऐसे यूनिट्स दे दी, कुछ ऐसे टॉपिक्स दे दिए हैं जो कि एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है। देखिए, पहले एनसीईआरटी बेस पेपर आता था, लेकिन अब तो कंप्लीट एनसीईआरटी पेपर आने लग गया कि एक शब्द भी बाहर से नहीं आएगा। लेकिन अगर टॉपिक ही एनसीईआरटी में नहीं है, टॉपिक ही एनसीईआरटी से बाहर है, तो ये कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे नल एंड वॉइड हो गया। यानी कि अब तो ऐसा हो सकता है कि आपको क्वेश्चंस एनसीईआरटी के बाहर से मिले, या मैं ऐसा मानती हूं कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस तो अभी भी रहेंगे, लेकिन एप्लीकेशन बेस्ड, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस के नंबर बढ़ सकते हैं टू मेक द पेपर मोर डिफिकल्ट। देखिए, अगर सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो पेपर की डिफिकल्टी तो बढ़नी है, तो डिफिकल्टी मुझे ऐसा लगता है कि इस बार ज्यादा
प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन से आने वाली है। कट ऑफ कैसी जाएगी या फिर नंबर्स कितने होंगे या कौन सी सीट पे इस साल कौन सा कॉलेज मिलेगा, इट इज टू सून, अभी हम ये सब नहीं कह सकते। ये सब डिपेंड करता है कि पेपर किस तरीके का फॉर्म होने वाला है। तो इन सब बातों की फिलहाल आप टेंशन मत लीजिए। आप लोगों को एक नया रिड्यूस सिलेबस मिला है जो कि सीधा सीधा ये बताता है कि आपका कोर्स अब फिनिश हो चुका होगा, होने वाला होगा, या बहुत कम कोर्स रिमेनिंग बचा है। तो जल्दी से अपना कोर्स माइंड अप करिए और अपने रिविजन में लग जाइए। द बेटर यू रिवाइज द बेटर कॉलेज विल यू गेट। थैंक यू।